हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। दिस इज रितु श्रीवास्तव, योर हिंदी टीचर। बच्चों, मैं आज आप लोगों को भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो बच्चों, भाषा क्या है? ठीक है, भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना। जो कहा जाए वही भाषा होती है। हम भाषा की सहायता से ही एक दूसरे तक अपने भाव एवं विचार को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं ना, दूसरे को अपनी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अपने भाव से, है ना, अपने भाव और विचार को पहुंचाते हैं। जैसे भूख लगी है तो खाना खाना है, तो मम्मी को क्या बोलते हैं, मम्मी प्लीज खाना दो। ठीक है, तो अपनी भाषा में उनको समझाते हैं, है ना, तो उसे ही भाषा बोलते हैं। माँ, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, माँ मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। माँ बोलती है ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आ जाना, तो ये क्या हो गया, भाव हो गया, भाषा से आपने समझाया। ठीक है, रमा ने पुस्तक में पढ़कर भाई को बताया कि सदा सत्य बोलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जहाँ पहले चित्र में लड़की बोलकर अपनी बात कह रही है और माँ सुनकर उसे समझ रही है, दूसरे चित्र में क्या है, पुस्तक में लिखकर बताया गया है कि सदा सत्य बोलना चाहिए और रमा उसे पढ़कर क्या कर रही है, समझा रही है और बोलकर अपने भाई को बता रही है। यह भाषा से ही संभव हुआ है। ठीक है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषा कौशल है। इससे हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें भाषा की आवश्यकता है। भाषा की आवश्यकता है क्यों होती है? जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तभी से उसे आपस में संपर्क करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता अनुभव हुई है। पहले वह संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करने का प्रयास करता था, फिर वह चित्र या, है ना, चिन्ह बनाकर अपनी बात व्यक्त करने लगा। इन दोनों से ही बात स्पष्ट नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे मनुष्य विकसित और सभ्य हुआ और भाषा की खोज हुई। भाषा के माध्यम से मनुष्य सरल और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने में क्या हो गए, समर्थ हो गए। ठीक है, तो भाषा का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा दूसरे के भाव और विचार समझ सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, यह भाषा एक मूल रूप है, इससे हम अपनी बात बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरे से उसे सुनकर समझते हैं। दूसरे इसे क्या करते हैं, जैसे हम किसी को कुछ भी बोलते हैं तो दूसरा सुन के उसको रिप्लाई करता है, तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात व्यक्त की जाती है और पढ़कर, है ना, समझी जाती है। जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप, जैसे आपको क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन का आंसर आप लिख के दिए, ठीक है, और टीचर उसे चेक करेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस रूप में भाषा, ज्ञान आदि सभी को सहेज कर रखा जा सकता है। जैसे भारतीय भाषाएं, भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं स्वीकार की गई है, जैसे हिंदी, तमिल, असमिया, सिंधी, उड़िया, मैथिली, संस्कृत, तेलुगु, कश्मीरी, उर्दू, संथाली, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, मणिपुरी, बोडो, मराठी, मलयालम, बांग्ला, नेपाली और डोगरी, है ना। तो हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं को स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पे, अब देखिए आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, बोली। भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे हिंदी भारत के अधिकांश भाग में बोली जाती है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, इसलिए ये भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, यह हमारी भाषा है। राजस्थानी राजस्थान के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यह बोली है। जैसे हर राज्य का एक अपना अपना भाषा होता है, अपनी अपनी बोली होती है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थानी बोलेगी, पंजाब में कोई पंजाबी बोलेगा, है ना, असम में असमिया बोलेगा, बिहार में क्या है, भोजपुरी है। तो इस तरह से सब राज्य के, सब हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी बोली होती है।
और हिंदी क्या है, भाषा है जो पूरे भारत में बोला जाता है, ये हम अधिकांश अधिकांश भाग में बोला जाता है, ठीक है। लिपि भाषा का मूल रूप मौखिक था, बाद में भाषा को लिखकर व्यक्त करने के लिए प्रत्येक ध्वनि या वर्ण के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें ही लिपि कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिपि का प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिपियां हैं, हिंदी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, कश्मीरी, शारदा, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं व्याकरण के बारे में। भाषा का प्रयोग करते समय प्रायः अशुद्धि हो जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करके भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखने के लिए प्रयोग के आधार पर प्रत्येक भाषा में कुछ नियम स्वीकार किए जाते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें ही व्याकरण कहते हैं। जैसे अशुद्धियाँ कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे ये अशुद्ध वाक्य है और ये शुद्ध वाक्य है ना। लिंग संबंधी, लड़कियां दौड़ रहे हैं, कभी ऐसा होगा क्या? नहीं, लड़कियां दौड़ रही हैं। शब्द संबंधी, मैं तुम्हारे को नहीं जानता, ऐसा थोड़ा ही होता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। वर्णित संबंधी, बीमार को दबा दो, यानी कि बीमार को दबा दो, बीमार को दवाई दो नहीं, बीमार को दवाई दो। इन सब अशुद्धियों की शुद्ध रूप में हमें व्याकरण द्वारा ही ज्ञात होता है। व्याकरण ही हमें सही शब्द और वाक्य बोलना और लिखना सिखाता है, ठीक है। तो आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ से समझ में आया होगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।